हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो यार, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस बाइक की सेकंड सर्विस कराई थी एंड सिर्फ 5,000 किलोमीटर चली है ये बाइक, एंड हमार को बोल दिया गया है आरी वालों ने कि इसका चेन सॉकेट बदलेगा। अब इतनी जल्दी चेन सॉकेट कैसे बदलेगा यार, उसी बारे में ये वीडियो है, राइट? एंड अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले पिछला वीडियो देखिएगा, उससे आपको चीज़ें सारी समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में उसी अपडेट के बारे में बात करते हैं, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे भाइयों के एंड बहुत सारे सजेशन भी थे उनके दिए गए, तो आज उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, राइट? तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आई एम रियली हैप्पी टू सी कि यार इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव फीडबैक आया उस वीडियो के ऊपर। मुझे पता है क्या लगा था, मुझे लगा भाई लोग पक्का कुछ ना कुछ बोलेंगे, कहेंगे यार तुझे पिछली वाली बाइक के साथ भी दिक्कत है, तुझे इसके साथ भी दिक्कत है। तो मुझे लगा था नेगेटिव फीडबैक आने वाला है इस वीडियो का, लेकिन मैंने सोचा यार कि यार इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी चाहिए दोस्तों को, राइट? तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई, एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका इतना पॉजिटिव फीडबैक देके यार अच्छा लगा मुझे कि आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, राइट? तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड बहुत सारे सजेशन आए मेरे को कि भाई ऐसा कर लो, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो यार बहुत बहुत अच्छा लगा ये सब देख कर कि भाई आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, यू गाइज़ आर लाइक फैमिली। तो ये सब देख के बहुत बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों, एक बार और इशू बताया था उन जो लोग नए हैं उनको समझाता हूँ बात को। तो जैसे कि आप जानते हो कि यार ये नट है, इसके पीछे जो थोड़ा स्पेस होता है अपनी चेन को एडजस्टमेंट करने के लिए, वो इन बाइकों में नहीं है। एंड दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बाइक में ये दिक्कत है कि एडजस्टमेंट के लिए जगह नहीं है, सारी की सारी सुपर मीटर 650 में ऐसा ही है। थोड़ी बहुत जगह होगी लेकिन इससे ज़्यादा जगह नहीं है। और दोस्तों, जब मैंने इसकी चेन टाइट कराई तो मुझे बोला गया था कि ये की चेन सॉकेट चेंज होएगा क्योंकि एडजस्टमेंट के लिए जगह नहीं बची है और ये और टाइट नहीं हो सकती। तो ये था इशू। सो दोस्तों, ये था इशू, एंड उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड करा एंड हमारे बहुत सारे भाइयों के सजेशन आए, उनके फीडबैक आए, उन्होंने कहा भाई ऐसे कर लो, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन सजेशन की। एंड मुझे एक भाई ने बोला था, एक्चुअली बहुत लोगों ने बोला कि यार इसका जो मैनुअल है, जो इसका आता है सुपर मीटियोर का मैनुअल, उसके 73 पेज पर ये कहा गया है कि भाई इसकी जो चेन एडजस्टमेंट है वो आगे की तरफ होगी, मतलब कि जो नॉर्मल बाइकों में ये आगे से पीछे जाता है, इस बाइक के साथ ये पीछे से आगे जाएगा, ऐसा कुछ दोस्तों ने बताया मुझे। फिर जाके वो मैंने मैनुअल भी चेक करा था सुपर मीटियोर का, आप आरी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उसके अंदर सब कुछ होता है बाइक के बारे में। लेकिन दोस्तों, जब मैंने वो मैनुअल पढ़ा एंड मैंने जब सब कुछ चेक करा तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि ये पीछे से आगे जाएगा, उसमें सिर्फ ये लिखा गया था कि ऐसे टाइट होगा और मे बी आई मिस्ड इट। लेकिन दोस्तों, मान भी लेते हैं कि ये पीछे से आगे की तरफ एडजस्ट होएगा, तो लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, और वो क्या है कि दोस्तों अभी तक मैं इसको दो बार टाइट करवा चुका हूँ ऑलरेडी आरी के सर्विस सेंटर से, और दोनों बार ये पीछे ही गया है। बिल्कुल माइनर सा स्पेस था, दोनों बार ये पीछे ही गया, आगे नहीं गया है। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई बात होती कि ये पीछे से आगे की तरफ एडजस्ट होता तब टाइट होता, तो अभी तक मेरी चेन आगे ही जाती, पीछे नहीं आती, राइट? उसका धीरे धीरे स्पेस खत्म हुआ, इसलिए मुझे पता चला कि भाई यहाँ कोई दिक्कत है। पूरी स्टोरी जानने के लिए प्रीवियस व्लॉग चेक कर सकते हो, राइट? तो दोस्तों, ये इशू है एक्चुअली, क्योंकि अगर आगे की तरफ एडजस्टमेंट होती तो यार शोरूम वाले आगे की तरफ एडजस्टमेंट करके देते, राइट? ये पीछे नहीं आती, तो ये तो नहीं होने वाला है। सो दोस्तों, ये थी पहली बात कि यार ये आगे की तरफ एडजस्ट नहीं होगा अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के साथ जो भी है। एंड ये मुझे सर्विस मैनेजर जो होते हैं उन्होंने भी बोला था कि ये पीछे से आगे की तरफ एडजस्ट होगी, लेकिन दोस्तों अगर होनी होती तो यार ये ऐसी होती, राइट? दो बार टाइट कराई, दोनों बार पीछे ही गई है, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। एंड दोस्तों, उसी के साथ साथ कुछ भाइयों के सजेशन आए थे, यार थैंक यू सो मच भाई आप लोगों के सजेशन के लिए, यू गाइज आर रियली रियली सो काइंड। तो सजेशन ये था कि भाई आपको चेन सॉकेट चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, राइट? आप क्या कर सकते हो, नहीं आप सिंपली जो दो कड़ियाँ होती है सॉकेट जो भी होते हैं इन, इसको छोटी करा सकते हो आप अपनी चेन को, एंड वो बराबर काम करेगी। तो दोस्तों, ये था सजेशन, लेकिन दोस्तों इसके साथ दिक्कत ये है कि यार ये ना ऐसा हर बाइक में है, सारी की सारी सुपर मीटियोर में ऐसा ही है। मैंने नेट पे चेक करा, वीडियो चेक करी, अपने दोस्तों की बाइक चेक करी, अपनी चेक करी, सबके साथ सेम ही है। और अगर हमारे को ये करना पड़ रहा है तो यार कितनी बेकार बात है कि हमें ही चेन तोड़वा कर चेन छोटी करानी पड़ रही है, वो भी इतनी जल्दी। भाई चेन एडजस्टमेंट या तोड़ना या फिर छोटा करना ना बहुत ज़्यादा किलोमीटर के बाद होता है। मेरे पास मीटियोर 350 थी, 2.5 साल चलाई मैंने बाइक, 25,000 से 30,000 किलोमीटर, अभी तक मुझे कोई भी इशू नहीं आया, अभी तक उसकी चेन वेन का कुछ भी कराने की इशू नहीं आई थी, राइट? लेकिन इसके साथ 5,000 किलोमीटर पर भी आ गया। तो यार हम क्यों करेंगे ऐसा, राइट? ये तो आरी को देखना चाहिए, उनको करना चाहिए, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो कहने का मतलब ये है कि यार ये आरी को करना चाहिए, हम क्यों करें, फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है आरी की तरफ से, और ऐसी चीज़ें यार मतलब सही नहीं लगती। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपडेट की। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई मैं सर्विस सेंटर जाऊंगा, लास्ट टाइम जब मैं सर्विस के लिए गया था तो उन्होंने बोला था आपको ये बाइक छोड़नी पड़ेगी, राइट? तो मैं उसके बाद कुछ काम था इसलिए मैं छोड़ नहीं पाया, तो फिर मैं नेक्स्ट डे गया था,
राइट। तो सर्विस मैनेजर ने मुझे कहा कि यार अभी तो हमारे पास कोई अपडेट नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो आप लेके जा सकते हो इसको। तो फिर मैंने उसके बाद एक दिन बाद दोबारा कॉल करी एंड फिर पूछा कि यार ये बाइक छोड़नी है या नहीं छोड़नी है। तो उन्होंने कहा यार कि अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, हम आगे से आपको कॉल करेंगे अगर आपको बाइक ड्रॉप करनी होगी, कोई भी अपडेट आता है तो। सो दोस्तों बात ऐसी है कि अभी फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं है इसको लेकर। ऑफकोर्स एडजस्टमेंट्स हो सकती है, हम जुगाड़ कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन दोस्तों ऑफिशियली आरी के पास कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है फिलहाल। एंड एक दो क्वेश्चन और आए थे मेरे दोस्तों के हमारे पास कि भाई एक्चुअली क्या नाम है, गियर शिफ्टिंग में उनको इशू आ रहा है। तो भाई वो आता है, इनिशियली मेरे को भी आ रहा था जब मैं फर्स्ट से सेकंड पे शिफ्ट कर रहा था या फिर सेकंड से फर्स्ट पे शिफ्ट कर रहा था। तो सर्विस में आप बता दीजिए उन्हें एंड वो रिजॉल्व हो जाएगा, अब इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बस वही है, वो भी इशू नहीं है यार, आई थिंक कोई तो अपडेट होगा, वरना यार इतनी बड़ी कंपनी पागल तो नहीं होगी ऐसी बाइक बनाएगी। वेल जो भी होता है दोस्तों मैं आपको अपडेट दे दूंगा। राइट, वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए और आपके सजेशन के लिए, बहुत अच्छा लगता है ऐसा। राइट, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड दोस्तों लद्दाख की सीरीज़ में अपलोड कर रहा था लेकिन यार लैपटॉप में थोड़ा सा इशू आ गया था, तो उसकी वजह से मुझे बीच में ही रोकनी पड़ी, लेकिन अब मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगा क्योंकि लैपटॉप अब ठीक हो गया। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, गर्मी बहुत है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।